अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल SRA सैफुल्ला लंगरखाना। हम आपको अपने चैनल पर खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, हमारा चैनल कुरान पाक की हिफाजत और गरीबों और मस्किनों का सहारा बनना है। बेशक अल्लाह ताला ने कुरान पाक की हिफाजत का वादा फरमाया है। कुरान पाक की हिफाजत के हवाले से अल्लाह ताला कुरान पाक में हुक्म फरमाता है, बेशक ये नसीहत हमने उतारी है और हम इसके निगहबान हैं। सूरतुल हिज्र आयत नंबर 9। इस आयत में नसीहत से मुराद कुरान पाक है। कुरान पाक की हिफाजत का जिम्मा अल्लाह ताला ने खुद फरमाया और इसका मुंह बोलता सबूत कुरान पाक की अपनी असल हालत में मौजूद की है। अल्लाह ताला ने इस काम के लिए अपने बंदे मख्तस किए हैं और इसमें एक अदना से खादिम सैफुल्ला साहब हैं, जो असदराज से कुरान पाक की हिफाजत में मामूर हैं। सैफुल्ला साहब हमारे इदारे के चेयरमैन और बहुत ही आजिज़ इंसान हैं। गरीबों की मदद करना, लंगर खाना तकसीम करना, कुरान पाक की हिफाजत पर मामूर सैफुल्ला एक सोच का नाम है। नाज़रीन, आज हम शालमाबाग लाहौर, जहां हमारा एक गोदाम मौजूद है और इसमें शहीद कुरान पाक के सफ़ात जमा किए जाते हैं। हमने सारा कुरान पाक जमा करके इसे कुरान पाक की असल हालत में बनाते हैं और इसे ज़रूरतमंद लोगों में फ़ी सबीलिल्लाह तकसीम करते हैं। कुरान महल के नाम से हमारे इदारे की ब्रांचेस पूरे लाहौर में मौजूद हैं। अगर आपको मदद से और अपनी ज़रूरियात के लिए कुरान पाक चाहिए तो आप कुरान महल ब्रांच या इन नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। तो नाज़रीन, हम शालमाबाग पहुंच चुके हैं। यहां हमारे और भी दोस्त मौजूद हैं, जो फ़ी सबीलिल्लाह और अल्लाह को राज़ी करने के लिए इस काम में अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। आइए हम कुरान पाक की हिफाजत पर मामूर ऐसे भाइयों से बात करते हैं। आप अल्लाह देखता नहीं शायद। रावर मोबाइल नाम बो अली रिसा। हाँ, तन्नी आप अल्लाह देखता जी। ये तारी टीम है जी। जी ये नूर तभी तक कमाल है सारा। ठीक है जी। साढ़े दोस्त ने बड़े अच्छे बड़ी कुरान की खिदमत कर रहे हैं। अल्लाह ताला इन्हें तरक्की दे। और मेरा नाम सैफुल्ला है। ये सारा पैसा पीर मुजफ्फर हुसैन शाह साहब का अलीपुर, पीर सैयद जमात अली शाह साहब अलीपुर, जिन्हों का पैसा लग रहा है पीर मुनव्वर हुसैन शाह साहब मैंने दिते ने, मैं पैसा खर्च करी जा रहा। अल्लाह पाक और किसी काम वास्ते बनाया, बेकार नहीं बनाया। शालीमार का रस्ता जो अभी बाहर निकल रहे हैं गड़ी लोड करके, मोहम्मद फरूक साहब, राणा मोहम्मद फरूक साहब गड्डी लोड करा के इस वक्त साढ़े नाल भाई ने, इन्होंने मेरे नाल बड़िया बड़िया गड्डिया लोड कराइया ने कुराने पाक दिया। बड़े मुहब्बत वाले जी ने इन्हों फोन करी दा, इन्हों का काम ये आ जाते हैं, इन्हें काम हो भी तो काम कर छड़ जाते हैं, मतलब काम इस वास्ते आ जाते हैं, दूसरा काम छड़ देंगे ने कुराने पाक की गड्डी मोहम्मद फरूक साहब लोड कराते हैं। कहते नहीं यार, इतने ही साडा दीन इन्हें दे कुराने पाक नूं फायद करना,
हफाज का काम कुराने पाक का काम है ये काम अच्छे तरीके करना चाहिए। चलो अभी कुछ कर नहीं सकते तो अल्लाह के घर जो पेश होवे तो अल्लाह तला हो साडा जन्नत जगह दे। असी इन्ने बोल तो नहीं सकते अभी मौलाना खादम दीदी दुनिया तो चला गया ने बड़ा कम चंगा डाटा किया काम उन्हें देखो जी एवं काम करते करते अह चले जाना है साढ़े बेली होर आ जाएंगे कुरान ने कैम दैम रहना है असी चले जाएंगे कोई होर आ जाएगा वो चले जाएंगे होर आ जाएगा कुरान ने कैम दैम रहना असा चले जाना लेकिन असा वो जी जिंदगी चार दिन की असी उन्होंने अच्छे तरीके क्यों ना गुजारीए मालक ने पैसा अदा किया तो उस पैसे को सही तरीके इस्तेमाल करिए। इस वक्त असी हमारे इदारे का काम शहीद कुरान पाक के सफ़ात जमा करना और इन्हें जिल्द करवा कर कुरान पाक की शक्ल दी जाती है और इन्हें मदरसों और ज़रूरतमंदों में फ़ी सबीलिल्लाह तकसीम किया जाता है। अगर आप हमसे कुरान पाक फ़ी सबीलिल्लाह लेना चाहते हैं तो हमारे नंबरों पर रब्ता करें, नंबर आपके स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं। नाज़रीन यहाँ हम अपनी वीडियो का इख्तिताम करते हैं, दुआओं में याद रखिएगा। फी अमानल्लाह।